आज मैं आपके साथ बिल्कुल सिंपल तरीके से बेसन वाली आलू परवल सब्जी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बहुत टेस्टी है और इजीली आप इसको बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल खाना ऑन डिमांड में। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, सो दैट मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखते हैं रेसिपी को। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये पोटैटो लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के, जिनको चॉप कर लिया है, जिंजर एंड गार्लिक, ये अनियन है इसको भी चॉप कर लिया है, ग्रीन चिली, और ये परवल है इस तरीके से इसको कट कर लिया है, एंड ये टमेटोज़ हैं जिनको भी चॉप कर लिया है। सबसे पहले मैंने ये 2 स्पून्स बेसन लिया है जिसको रोस्ट कर लूँगी 2-3 मिनट के लिए। इसी तरीके से ये रोस्ट हो गया है, गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी और इसको निकाल लूंगी। उसी कढ़ाई में मैंने सब्जी के लिए ऑयल डाला है, थोड़ा सा ये क्यूमिन सीड, ये तेज पत्ता, ये जो ग्रीन चिली ली थी वो थोड़ा सा सॉटे करेंगे, ये गार्लिक जिसको मैंने चॉप किया था, ग्रेटेड जिंजर, इनको भी मिक्स कर लेंगे, ये अनियन जिसको मैंने चॉप करके रखा था उसको भी भूनना है, इस तरीके से चलाते रहेंगे इसको। स्पाइसेस में ये टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा ये गरम मसाला, अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पाइसेस को, इनको भी भूनना है। स्पाइसेस अच्छे से भुन गए हैं, अनियन भी, अभी जो चॉप करके टमेटो रखे थे वो ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स करना है स्पाइसेस के साथ में, थोड़ा सा आप सॉल्ट भी ऐड कर देंगे जिससे कि ये अच्छे जल्दी कुक हो जाएंगे। अच्छे से मिक्स करके इसको 2-3 मिनट के लिए कवर कर देंगे जिससे ये जल्दी कुक हो जाएगा। 3 मिनट्स के बाद में देखिए टमेटोज कुक हो चुके हैं, इनको इसी तरीके से मैश करना है। अच्छे तरीके से मैश करना है इसको। यहाँ पर जो परवल कट करके रखे थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। परवल का साइज़ आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, छोटा या बड़ा जैसा भी रखना चाहें। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो बेसन रखा था रोस्ट करके वो ऐड कर दिया है मैंने, क्योंकि इसको भूनना है परवल को बेसन के साथ में 2-3 मिनट के लिए। इस तरीके से 2-3 मिनट तक इसको भूनेंगे जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा सब्जी में। ये चॉप पोटैटोस वो भी ऐड कर दिए मैंने। इनको भी अच्छे से भूनना है। इसी तरीके से चलाते रहेंगे इसको।
अच्छे से भूनेंगे 2-3 मिनट तक। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, पहले भी ऐड कर चुके हैं सॉल्ट, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। थोड़ा सा वाटर, सब्जी की कंसिस्टेंसी आपको जैसी रखनी है उस हिसाब से वाटर ऐड कीजिए। अगर आपको सूखी रखनी है तो बिल्कुल थोड़ा सा आप पानी डालिए। इस तरीके से इसको चलाएंगे जी। इस तरीके की ग्रेवी चाहिए तो मैंने पानी डाला है इतना, आप चाहें आप अपने हिसाब से रखिए। इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद में चेक करते हैं इसको। चलाएंगे इस तरीके से। एंड 4-5 मिनट के लिए दोबारा इसको कवर कर देंगे। इसको चेक कर रही हूँ मैं, सब्जी एकदम बन चुकी है। यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है एंड थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। इसी तरीके से लीजिए, आपकी गर्मा गर्म आलू परवल की सब्जी बनके तैयार है। इसी तरीके से आप भी बहुत ही आसानी से बेसन के साथ इसको बना सकते हैं। टेस्ट बहुत अच्छा आता है और आप इसको किसी भी चपाती या पराठे किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।